बड़े लोगों की भेंट चढ़ा सरकारी रास्ता, जनता हुई परेशान। मध्य प्रदेश के रीवा जिले के हनुमाना जनपद अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कोल्हा में सरकारी रास्ते को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। यह लगभग एक एकड़ जमीन सरकारी भूमि है, जिसे पट्टीदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया है। कई बार शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत की गई, लेकिन आज तक अमल नहीं किया गया है। सरपंच सचिव के द्वारा किसी भी प्रकार की अभी तक कार्रवाई नहीं की गई है। स्थानीय नागरिकों ने बताया कि आज तकरीबन 8 वर्षों से हम ऐसे ही बुरी परिस्थिति में यहां से गुजर रहे हैं। कई बार शिकायत की गई, लेकिन आज तक कोई गरीबों की समस्या सुनने नहीं आया। और अगर यही चलता रहा तो वह दिन दूर नहीं जब लोग सड़क पर उतर आएंगे और फिर इस रास्ते का हिसाब लिया जाएगा। क्या नाम है आपका? राजेंद्र। क्या समस्या है? समस्या यह कि जो सरकारी यहाँ से वहाँ तक रोड है। किस ग्राम पंचायत से संबंधित है? कोल्हा से है। और यहाँ पे जो कुछ पट्टेदार हैं तो सरकारी जमीन भी दबाए हुए हैं और जो जमीन छोड़ नहीं रहे हैं। और हमको ये समस्या है कि हमारे घर में विकलांग हो गई मेरी बच्ची, आप देख सकते हैं उसकी हालत क्या है, ठीक है ना। और यहाँ पे जो सरकारी दबाए हुए हैं तो सरकारी बोलते हैं कि हम भी नहीं देंगे और पट्टेदार भी नहीं देते हैं। तो सरकार पट्टे वाले बोलता है कि वहाँ से देओ यार, यहाँ से देओ, तो हम लोग उसका कुछ समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमको इतनी दिक्कत है कि हम कैसे बच्ची को ले जाएंगे अस्पताल, क्या कर पाएंगे, बताइए आप। ये शिकायत आप की है कहीं की? इसकी कर दिए हैं। सीमांकन हो जाए तो सब कुछ किए हैं, बोले पटवारी को, बोले सरपंच को, बोले सेक्रेटरी को, बोले, लोग सुनते नहीं हैं। गांव के लोग आते हैं, वहीं पे बड़े बड़े लोग रहते हैं, हम लोग गरीब हैं, हम लोग क्या कर पाएंगे। यहाँ से पैसा खाते हैं, पान गुटखा खा के यहाँ से निकल जाते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, ऐसा वैसा है, हम लोगों को यहाँ फंसा के रखते हैं। जैसे सीएम हेल्पलाइन शिकायत नहीं किए क्या? वहाँ से तो किए हैं, जो दो जगह ये नंबर है तो वही नंबर पे किए हम लोग 181 में, और बाकी हम लोगों को पता नहीं है क्या कैसा है। यहाँ के गांव के भी लोग दबा देते तो हम लोग उसके बाद पे चल रहे हैं। हम लोगों की इतनी बड़ी समस्या, क्या करेंगे अभी। मेन समस्या ये है कि यहाँ से लेकर के वहाँ तक रोड निकलनी चाहिए, और इसके बाद पहले 4 ट्रैक्टर मोरम पड़ा, वो लोग बंद करवा दिए रात में। किसने बंद करवाया? लोगों मना कर दिए उनको, सरपंच को मना किए, सेक्रेटरी को मना किए कि यहाँ पे तुम मत डालो यहाँ पे, तो लोग डाले नहीं। और देख लीजिए आप यहाँ पे कैसा डाल दिए हैं और खनवा लिए अपना अपना जमीन, और फिर बोलते हैं कि यहाँ से नहीं पड़ेगा वहाँ से पड़ेगा। ये ग्राम पंचायत कोल्हा की समस्या है ना? हाँ, ग्राम पंचायत कोल्हा की समस्या। रात में पड़ा है, मोहरम पड़ा है, सेवा बंद कर दिए, लोगों ने बंद करवा दिए थे, अपने परिवार का जोर किए, इसके बाद मोहरम पड़ा हुआ है, वो तहसील डलवा दिए के बाद फिर लेबर के द्वारा। मध्य प्रदेश रीवा से प्रद्युमन शुक्ला की रिपोर्ट, समय नेशनल।